तो हनीप्रीत जेल से बाहर आ गई है। जी हाँ, लग्जरी गाड़ी में सवार होकर हनीप्रीत जेल के बाहर से निकली है। अंबाला जेल में बंद थी हनीप्रीत, जिन्हें आज जमानत मिली और उसके बाद ये बड़ी खबर, जेल से बाहर आ गई है हनीप्रीत। TB10ED0041 नंबर गाड़ी, जो फॉर्च्यूनर गाड़ी जिसमें हनीप्रीत को देखा गया। वाहन ऐप के मुताबिक ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, लुधियाना क्षेत्र की फॉर्च्यूनर गाड़ी है। लुधियाना क्षेत्र की फॉर्च्यूनर गाड़ी है जिसमें हनीप्रीत सवार थी, पीले कलर के सूट में। राजदीप सिंह के नाम से ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। तो हनीप्रीत जेल से बाहर आई है, जमानत उन्हें मिल गई है। आज पंचकुला दंगे मामले में टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी में यहां पर हनीप्रीत सवार होकर गई और पीले रंग के सूट में हनीप्रीत बैठी थी, उसके साथ और भी लोग मौजूद थे। तो आज ही कोर्ट से जमानत मिली, काफी फास्ट ये सारा कुछ चला। ऑनलाइन प्रोसेस जो है वो कोर्ट की तरफ से पूरा किया गया, अंबाला जेल में सूचित किया गया, उसके बाद हनीप्रीत यहाँ से जेल से बाहर आ गई। TB10ED0041 गाड़ी का नंबर है, लुधियाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वाहन ऐप की अगर हम बात करें तो उसके मुताबिक जो गाड़ी लेने पहुंची थी हनीप्रीत को, वो लुधियाना क्षेत्र की बताई जा रही है। फॉर्च्यूनर गाड़ी जिसमें और भी लोग मौजूद थे, पीले कलर के सूट में हनीप्रीत उसमें बैठी थी, सवार थी। राजदीप सिंह के नाम से रजिस्टर्ड है गाड़ी। परिवार वाले बताए जा रहे हैं जो हनीप्रीत के साथ गाड़ी में बैठे थे, टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी में गई हनीप्रीत सवार होकर और परिवार वाले बैठे थे, ऐसा बताया जा रहा है। पीले रंग के सूट में हनीप्रीत बैठी थी, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जेल से बाहर आई हनीप्रीत, आज ही जमानत मिली है इन्हें पंचकुला दंगे मामले में, और उसके बाद आज ही जेल से रिहा भी कर दिया गया। और ये गाड़ी, गाड़ी का नंबर, वाहन ऐप के मुताबिक लुधियाना क्षेत्र की गाड़ी है जो हनीप्रीत को लेने पहुंची थी। तो पंचकुला कोर्ट ने यहां पर हनीप्रीत को राहत दी है। हरियाणा पुलिस को बड़ा झटका लगा है, 1-1 लाख के दो निजी मुचलकों पर इन्हें जमानत मिली है और आज ही कोर्ट से जमानत मिली और आज ही इन्हें कोर्ट से रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि हनीप्रीत पर पंचकुला हिंसा के आरोप थे, साजिश रचने के आरोप थे। दो दिन पहले ही देशद्रोह की धारा हटी थी, उसके बाद आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी, जो मामला इन पर पंचकुला दंगे को लेकर लगा था। और इसी मामले में कोर्ट से जमानत मिली हनीप्रीत को और रिहा भी कर दी गई है जेल से। अंबाला जेल में बंद थी, आपको बता दें कि अक्टूबर 2017 में इन्होंने सरेंडर किया था, जिसके बाद आज ये रिहा हुई। ज्यादा अपडेट और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी नासिर कुरैशी, फोन लाइन में इस वक्त मौजूद है। नासिर, बहुत तेजी से सब कुछ हुआ, जमानत, जमानत के बाद ऑनलाइन जो प्रोसेस थी कोर्ट की तरफ से पूरी की गई और अब हनीप्रीत बाहर आ गई है, आगे क्या क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल सकती है? देखिए राष्ट्रीय, अगर बात की जाए तो एक बड़ी मुसीबत इनके साथ थी हनीप्रीत की, अगर बात की जाए देशद्रोह जैसा केस और फिर उसका राहत मिलना। रही बात तेजी की तो कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, कागजात की बात होती है, तो वो सुबह इस पर जमानत पर सुनवाई हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई थी और उसके बाद फिर उनको राहत मिली और साथ ही और भी जो लोग थे उनके ऊपर से भी जो देशद्रोह के केसेस हैं, जो धारा है 121 और 121 है उसको हटा दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आ रहा है कि अब हनीप्रीत यहाँ से जाएंगी कहाँ पर। तो हम इससे पहले भी अभी अपने दर्शकों को बता रहे थे, खबर अभी तक ने सबसे पहले बताया कि ये कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि जिस गाड़ी से वो जा रहे हैं वो पंजाब की गाड़ी है, लुधियाना नंबर की गाड़ी है और उनके साथ बताया जा रहा है कि उनके भाई और भाभी उनके साथ गाड़ी में मौजूद थे, तो क्या वो पंजाब जाएंगे या फिर सिरसा जाएंगे। तो खबर हमें ये भी मिली कि वो गुड़गांव यहाँ से जा सकते हैं, सीधे गुड़गांव की तरफ वो जा सकते हैं आज और वहां पर वो रह सकते हैं, उसके बाद फिर हो सकता है कि सिरसा वगैरह उनका रुख रहे और डेरा भी वो पहुंचे, क्योंकि एक लंबी 2017 से तकरीबन वो वहां पर जेल में मौजूद थी और जेल का एक दिन भी अगर देखा जाए तो बहुत भारी होता है। तो यहाँ पर तो आजादी की फिजाओं में हनीप्रीत ने आज लंबे अरसे के बाद सांसें ली हैं और सुरक्षा की अगर बात की जाए तो कुछ तरह के केसेस होते हैं कि बेवजह फिर ऐसी चीजें कुछ पैदा ना हो जाए, क्योंकि डेरा के जो प्रेमी हैं और सिरसा, क्योंकि उनकी तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आनी शुरू हो गई है कि सच्चाई की जीत हुई है और आगे भी हम जीतेंगे। और अगर हम बात करें नासिर, जिस तरह से काफी पुराना ये मामला है, काफी दिनों से ये मामला चला आ रहा है, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, पहले देशद्रोह का मामला हटा और उसके बाद अब जो पंचकुला दंगे को लेकर ये जो मामले दर्ज थे उसमें अब इन्हें जमानत मिल गई है,
अभी भी क्या प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि डेरे की तरफ वापस रुख करेगी हनीप्रीत या फिर अपने घर की तरफ जाएंगी? देखिए, हो सकता है कि वो डेरा जाए, लेकिन आजकल में ना जाए, इस बीच में जो वक्त उनको मिला हुआ है, इस बीच में वो क्योंकि केसेस और चलते रहेंगे तो डेरा वो जाएंगी जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि एक रिलेशन है, एक आस्था है, आस्था ना हो कि एक रिलेशन है, एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि अपने आप में डेरे का एक अपना अलग वर्चस्व रहा है, एक अलग उसकी पहचान है। अभी भी लाखों समर्थक डेरे के साथ जुड़े हुए हैं, इतना बड़ा प्रकरण होने के बाद भी, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी, और कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो अभी भी उनका विश्वास वहां पर बना हुआ है। यहां तक कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि गुरमीत राम रहीम तो अपनी मर्जी से जेल के अंदर है, वो कुछ चमत्कार करेंगे, बाहर आएंगे, तो इस तरह के बहुत सारे डेरे के जो समर्थक हैं। तो ऐसे वक्त में फिर डेरे ने भी एक लड़ाई लड़ी है, सपोर्ट में है, तो अपने आप को बिल्कुल डेरे से वो अलग कर ले ऐसा लगता नहीं है। बस ये है कि अब वो डेरे में किस तरह की उनकी दखलंदाजी रहेगी, क्योंकि इससे पहले तो पूरी जो इंतजाम थे, जो दखलंदाजी थी वो हनीप्रीत की थी। गुरमीत राम रहीम के बाद अगर नाम लिया जाता था तो वो डेरे के अंदर सारी चीजों के लिए वो हनीप्रीत के ऊपर जिम्मेदारी थी। इवन यहाँ तक कि गुरमीत राम रहीम भी खुद उनके आइडिया से प्रभावित होकर उनकी बातों पर वो चलती थी, और उन्होंने इसका जिक्र भी किया है कि मैं तो नहीं चाहता था लेकिन मेरी ये बेटी चाहती थी, क्योंकि बाप बेटी का रिश्ता कहा जाता है कि फिल्मों में काम करें और फिल्मों के जरिए यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए हम मूवीज बनाएं, तो उन्होंने ये भी कहा कि इनकी वजह से मैं ये कर रहा हूँ। तो जब इतनी सारी चीजें हैं, और क्योंकि अब देखिए गुरमीत राम रहीम अंदर है और सिर्फ हनीप्रीत एक ऐसा नाम है जो डेरे के अनुयायियों में और ज्यादा वो विश्वास जगा सकते हैं और उनको और ज्यादा जोड़ सकते हैं, तो हनीप्रीत का डेरे से तो कनेक्शन है और जो रहेगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अभी सस्पेंस जो है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं मिल पाया कि अंबाला जेल के बाहर तक समर्थक जुट पाए। ऐसे में जो रिश्तेदार पहुंचे थे, जैसा कि आपने बताया कि भैया भाभी बताए जा रहे हैं लुधियाना की गाड़ी है। नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।